कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान चीतों पर है, गाय पर नहीं है, गाय की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए कमलनाथ जी के कहने से नहीं होता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ एक में नहीं कोरोना के संकट में भी वो कमलनाथ जी यही कह रहे थे। कमलनाथ जी के समय में कोरोना आया था, कमलनाथ जी क्या कर रहे थे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रदेश जानता है। और कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट से निपटने में जो बेहतर काम किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, इसी प्रकार से कमलनाथ जी का काम केवल बयान और ट्विटर, वो ट्विटर कांग्रेस हो गई है केवल, तो उनके वक्तव्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मात्र हम काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ चीते भी ला रहे हैं तो गाय को बचाने का लंपी वायरस से भी प्रावधान कर रहे हैं। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं तो क्या बेईमानी नहीं है? क्या उनके पूर्वजों की बात नहीं होगी? धारा 370 लगा करके भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक लगाने का काम किसने किया था देश के अंदर? क्या धारा 370 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो सफाई कर्मी था जम्मू कश्मीर के अंदर उस राज्य में, वो जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा? वो कितना ही योग्य हो, लेकिन धारा 370 कहती थी अगर वो सफाई कर्मी है उसके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसको जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के देश के कोने में जाए वो। लेकिन जम्मू कश्मीर में वो सफाई कर्मी ही रहेगा, ये धारा 370 किसने लगाई थी? ये जो बातें करते हैं ना, मैं अनुसूचित जाति के उन भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहिए, धारा 370 लगाकर इतना बड़ा कलंक था तो अमित शाह जी ने संसद में कहा था क्या ऐसी व्यवस्था इस भारत के अंदर आज भी रहेगी कि सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा? खंडवा का सफाई कर्मी का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो सफाई कर्मी ही रहेगा, ये क्या कलंक नहीं था भारत के ऊपर? कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जवाब दे। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग वा नारे लगाती है, राहुल गांधी उसके समर्थन में खड़े होते हैं। ये मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक होती है भारत के, हमारे सैनिकों पर आक्रमण होते हैं, उनका जवाब देने के लिए मोदी जी संकल्पित होते हैं, इनका जवाब पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पूरा देश भारत माता की जयकारे के नारे के साथ गौरवान्वित होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री, इसका प्रूफ क्या है? ये सेना का अपमान नहीं है? ये वो लोग हैं जो हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं और अब राहुल गांधी कहे मैं भारत को जोड़ने चला हूं, ये बेईमानी नहीं तो और क्या है?